ओलंपिक यानी कि खेलों का महाकुंभ। दोस्तों, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक गेम्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनमें दिए जाने वाले मेडल्स। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मेडल्स के बारे में और इनके इतिहास के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, लेकिन सन 394 में रोमन सम्राट थियोडोसियस फर्स्ट द्वारा इन खेलों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्राचीन यूनानी सभ्यता के पतन के साथ ये खेल भी इतिहास बनकर रह गए। इसके बाद सन 1896 में एक बार फिर से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और यहीं से होता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को जैतून के फूलों का हार पहनाया जाता था, जिसे ग्रीस में बहुत ही पवित्र पुरस्कार माना जाता था। लेकिन 1896 में ओलंपिक के पुनर्जन्म के साथ ही पुरानी रीतियों की जगह नई रीतियों ने ले ली और मेडल देने की परंपरा शुरू हुई। अब विजेताओं को सिल्वर मेडल और उप विजेता को ब्रांज मेडल दिया जाता था। इसके बाद सन 1904 में पहली बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल का इस्तेमाल किया गया, जो कुछ इस तरह दिखते थे। अगली एक सदी में समय के साथ साथ मेडल की साइज, शेप और कॉम्बिनेशन में बदलाव होता रहा। रोम ओलंपिक 1960 से पहले तक मेडल में कोई रिबन नहीं होता था, इसे पिन की सहायता से विजेता की सीने में लगाया जाता था। लेकिन रोम ओलंपिक में पदक का डिजाइन नेकलेस की तरह बनाया गया, जिसे खिलाड़ी चैन की सहायता से अपने गले में पहन सकते थे, और इसके 4 साल बाद इस चैन की जगह रंग बिरंगे रिबन्स ने ले ली। क्या आपको पता है कि गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। गोल्ड मेडल पूरी तरह सोने का नहीं बना होता। शुद्ध सोने के बने मेडल आखिरी बार 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक्स में दिए गए थे। उसके बाद IOC की नई गाइडलाइंस आई, जिसके अनुसार गोल्ड मेडल में 6 ग्राम सोना अनिवार्य था, जो कि अभी तक लागू है। गोल्ड मेडल का अधिकतर भाग चांदी का बना होता है और इसमें 6 ग्राम गोल्ड की कोटिंग की जाती है, और ऊपर से देखने में ये ऐसा ही लगता है जैसे कि बिल्कुल सोने का बना हुआ हो। वर्तमान में चल रहे टोक्यो ओलंपिक गेम्स के मेडल रिसाइकल्ड इलेक्ट्रिक सामानों से निकाले गए मेटल से बने हैं, कि जापान के लोगों ने सरकार को दान किए हैं। इन मेडल्स का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है और इस पर यूनान की जीत की देवी नाइकी की तस्वीर बनी हुई है, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। धन्यवाद।